दोस्तों, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ भी को ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आपसे एक बार का आपका अपना चैनल वाई फाई से डिफेंस के पार्ट है आपके अन अकाडमी ग्रुप का और देता है आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल, ठीक है। और आपका अपना शो भाई, पहली बात तो मेरी आपसे लोगों से एक कंप्लेंट है, आजकल क्या हो गया भैया, क्या सोच लिया है? पेपर आ रहे हैं तो क्या करंट अफेयर छोड़ दोगे? हैं, आपको जो एयरफोर्स का पेपर था ना, उसमें GD होगा, उस पर करंट अफेयर का कोई टॉपिक आ गया तो हैं, आपका पेपर पोस्टपोन हुआ है, बताइए। पता नहीं करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, छोड़ो मत, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। भली आपका पेपर 6 सितंबर को है NDA का, 5 तक मैं कहूँगा करंट अफेयर देखो, मैं तो कहूँगा 6 का भी देख के जाओ, क्या पता कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टैटिक पता चल जाए तो पेपर में आ जाए। क्योंकि करंट अफेयर होता क्या है, आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आती है साथ में। हाँ, उसके नोट्स मत बनाओ आपसे, लेकिन देखो ज़रूर ये शो, ये शो देखो ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अक्सर पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर इसको ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सबकी, जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन। पहला है कि डैश लॉन्च कृषि मेघ, किसने कृषि मेघ नामक एक स्कीम लॉन्च करी, एक आपकी योजना लॉन्च करी? नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान या आपका थेवार सिंह गहलोत, थेवार चंद गहलोत, किसने लॉन्च करी है? ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, जो आपके मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ये है क्या कृषि में, यह एक्चुअली आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड आपका सॉफ्टवेयर है, जिससे आप जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके लिए, तो जिससे हमारा एग्रीकल्चर बेहतर होगा, हमारी जो फार्मर्स की इनकम है वो बेहतर होगी, और प्लस अगर हम उसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो उसमें भी हमारी बेहतरी होगी, जिसका नरेंद्र सिंह तोमर आंसर है। अगला सवाल, सुरक्षा इज अ नेशनल पोर्टल लॉन्च टू सॉल्व एंड ह्यूमन डैश कॉन्फ्लिक्ट। सुरक्षा जो कि एक आपका राष्ट्रीय पोर्टल है, वो क्यों लॉन्च करा गया है? जिससे इंसान और डैश के बीच में जितनी आपकी मुठभेड़ होती है वो खत्म हो सके। बर्ड्स, एलिफेंट्स, ट्राइब्स या फिश, बताइए। ये आपके एलिफेंट्स के लिए करा गया है, ह्यूमन एलिफेंट, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट उसके लिए करा है, मिनिस्ट्री ऑफ। क्यों, आपको पता है हाथियों के कितना ज़्यादा महत्व है हमारे कह सकते हैं कि संस्कृति में और एनवायरमेंट में, तो इसके लिए कि हाथी और ह्यूमंस और एलिफेंट का जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए, इसलिए हमने ये करा है आपका सुरक्षा पोर्टल। अगला सवाल, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिंस, ठीक है। विश्व बायोफ्यूल दिवस आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा कब से बनाया जाता है, कब से? ये 2015 से बनाया जाता है, जिससे हम ये बताते हैं लोगों को कि हाँ बायोफ्यूल, ठीक है, वो आपका एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है, ऊर्जा का एक आपका दूसरा सोर्स बन सकता है, जिससे आप बेहतरी कर सकते हैं अपनी जो इन्वायरमेंट है, और उसमें आप पोल्यूशन भी आप लेवल कम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वॉट इज़ द थीम फॉर 2020 वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 2020 विश्व बायोफ्यूल दिवस की थीम क्या है? वे ऑफ एस्केप एंड माइलस्टोन टू अचीव, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत या नॉन ऑफ दीज, ये आपका सी है, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये 2020 के विश्व बायोफ्यूल दिवस की आप कह सकते हैं थीम थी। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च सबमरीन केबल कनेक्टिविटी टू डैश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च की है, कहाँ से कहाँ तक? ये आपकी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक करी है, और ये चेन्नई से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, कम से कम आपके 2300 किलोमीटर के आपके अंडर केबल है, जिससे आपके जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के लोग हैं वो आपके मेन स्ट्रीम आएंगे। कोई अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड गया उसे पता होगा वहाँ पे नेट की कितनी समस्या होती है, तो उससे ये आपकी बेहतरी है, ये आपकी कह सकते हैं कि बढ़ोतरी है उस चीज़ में, और बहुत अच्छे से वहाँ के लोग कनेक्ट कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे, शिक्षा में साथ दे पाएंगे हमारा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइम भी, वरना बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है, बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पे। फिर आगे चल के आप वहाँ पे कैंपसेस भी खोल सकते हैं कॉलेजेस के, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। अगला सवाल, द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन डिसाइडेड टू नेम इट्स न्यू स्टेडियम इन द मेमोरी ऑफ यू, जो आपके पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है, उसने अपने नए जो स्टेडियम बना रही है उसे किसकी याद में नाम रखने का सोचा है? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा खड़क सिंह, महाराजा यदविंद्र सिंह, या आपका महाराजा नौ निहाल सिंह, या आपके महाराजा यदविंद्र सिंह है, और नया स्टेडियम आपका मुल्लनपुर,
न्यू चंडीगढ़ में बन रहा है, मुल्लनपुर न्यू चंडीगढ़ में बन रहा है, और ये आपके पीसीए ने अनाउंस आपका अनाउंस करा है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट स्टेट हैज लॉन्च द एंटी बुलिंग कैंपेन ऑफ फरीदाबाद पुलिस पार्ट ऑफ टीनेज पुलिस इनिशिएटिव। एक आपका टीनेज पुलिस इनिशिएटिव है आपके फरीदाबाद पुलिस का, उसका एक एंटी बुलिंग मतलब बुली करना का कैंपेन किसने शुरू करा है, उसके राज्य के किसके चीफ मिनिस्टर ने, हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, या हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस करा है, जैसे बुलिंग यूनि आपके रैगिंग ये सब आप रोक सके, बच्चों को एक यू नो बेहतर एक एटमॉस्फेयर दे सके, वो जिस पर पढ़ाई कर सके, इन सबके चक्रों से बच के। विच स्टेट स्लैश यूटी गेंड साइंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA विद IIT दिल्ली टू सेट अ ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आपका एक MOA साइन करा है IIT दिल्ली के साथ, जिससे आप GIS एक प्लेटफॉर्म बना पाएंगे, पुडुचेरी ओडिशा दिल्ली या बिहार, ये बिहार ने करा है, दिस हैज बीन डन बाय बिहार, ठीक है, और ये बिहार का जो आपका स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है ये उसने करा है, बिहार के स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने ये चीज करी है, बिहार के स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने ये चीज करी है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे होगा क्या, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, प्लस इंडिया का नेशनल ठीक है क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत बिहार के भी कुछ आप कह सकते हैं कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, कुछ जिम्मेदारी है, तो उसे फुलफिल करने के लिए बिहार ने GIS पर एक प्लेटफॉर्म करा, जिससे हवा साफ रख सके, प्रदूषण साफ रख सके, आपका पोल्यूशन को डिक्रीज कर सके, पोल्यूशन को डिक्रीज कर सके, इसलिए ये बिहार ने करा है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो ये था आपके आज के महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, सवाल कम थे मेरे को पता, 8 ही सवाल थे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोई भी आपको सवाल दे दूं और उसका फ़ायदा ना हो, मैं चाहता हूं कि जो भी आप सवाल लें वो बहुत अच्छे और बहुत ही एक कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से हो, ठीक है। आपको पता है जैसे कि आपका यू नो अब NDA का फॉर्म आ चुका है, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप तो देख लोगे, जैसे नई वीडियो देख के देख लो, तो इस टाइम पर आपके पास यू नो आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ाई ज़रूर करनी हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँ अगर एक चीज़, तो वो चीज़ यही होगी कि देखो यार, पहली बात तो स्पेशल क्लासेस लगानी शुरू करो, ठीक है, प्राण दत्ता को जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख पाओगे, मेरी स्पेशल क्लास हर दिन 5-6 होती है, और फ्राइडे को आपका एक मैं मॉक टेस्ट लूँगा आपसे, ठीक है, 1-3, तो उसको जाके फॉलो कर लो। दूसरा फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल और मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे फॉलो कर लो, यहाँ आपको मेरी PDF मेरे सारे जितने कह सकते हैं कि जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसके सारे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो, प्लस जो मेरी स्पेशल क्लास होती हैं कोर्सेस आ रहे थे उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, ठीक है। प्लस देखिए सिंपल सी चीज़ है, इस टाइम पे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ लिए होंगे लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपको SSB की भी तैयारी तो करनी है, प्लस आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है, ठीक है, 1 मंथ ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, हमारा एक रैपिड 25 डेज का एक कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही एक बेहतरीन कोर्स है। मैं आपको ये करूँगा, अगर आप 3 मंथ्स के भी लेंगे, इफ़ यू टेक इट फॉर 3 मंथ्स ऑल्सो, आपको वो कि सर चलो SSB के हम खूब करेंगे आपके साथ, क्योंकि SSB की मैंने करवानी है 6 सितंबर के बाद से, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, ये आपकी बेहतरीन रिविजन करवा देगा। देखो दूसरी चीज़, इस टाइम पर टाइम टेबल अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पर्सनल टाइम टेबल के लिए आपको कोड लगाना है, परचेज करते हैं प्रणव 10 या प्रणव YT, प्रणव 10 और प्रणव YT का आपको कोड लगाना है, ठीक है, जिससे ना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, 10% डिस्काउंट पर्सनल मेंटोरशिप। नंबर है मेरा 9555092179, आप से मेरे को कॉल व्हाट्सएप SMS करके मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपको नो पीछे नहीं हटना, और ये जो हमारा रैपिड 25 डेज का कोर्स चल रहा है, इससे ना आप केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। इसमें मैं अभी टॉप 1000 GK MCQ का कोर्स भी आया है मेरा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, उस पर बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छे से। प्लस मैं आपके लिए करंट अफेयर का भी कोर्स लेकर आना होगा, आपके लिए करंट अफेयर Part 2, ठीक है, ये टाइम है आपको अपना पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है, बहुत अच्छे से बढ़ना है आगे, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लीजिए SSB की भी तैयारी करना, ठीक है। प्लस अगर आप एक TS के एस्पिरेंट है, आपको पता ही है कि यार SSB की तैयारी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कह रहा हूँ ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करिए और ज़रूर ज़रूर इसमें जुड़िए हमारे साथ, ठीक है।
आई होप आपका आज का दिन काफी अच्छा था, आई होप आप बहुत अच्छे से करें। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।